नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अश्विनी बंसल है। मैं चीफ हार्ट सर्जन हूँ इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल डेरा बसरी मोहाली में। आज का ये वीडियो हम लोगों को एजुकेट करने के लिए बना रहे हैं, जिसमें हमारे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका काफी सालों से सांस फूल रहा है, लेटने में धड़कन बढ़ जाती है, खांसी आती है, पैरों में सूजन हो जाती है। जब उनका इको किया जाता है लास्ट में, तो पता चलता है कि उनके वाल्व की प्रॉब्लम थी और काफ़ी साल से प्रॉब्लम रहने के वजह से उनके बाकी अंग भी खराब हो गए हैं। तो जब भी ऐसी तकलीफ हो जिसमें सांस फूल रहा है, पैरों में सूजन आ रही है, तो एक बार इको करके वाल्व चेक करना चाहिए। हार्ट के अंदर चार तरह के वाल्व होते हैं, दो वाल्व राइट साइड में होते हैं, दो वाल्व लेफ्ट साइड में होते हैं, और टाइम रहते उनका इलाज किया जाए तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। आजकल नई टेक्निक्स आ गई हैं जिसमें बिना हड्डी काटे छोटे चीरे से भी हार्ट का ऑपरेशन पॉसिबल है और पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाती है और 10 दिन में वो अपना काम चालू कर सकते हैं। एक पेशेंट हमारे पास जम्मू से आए थे जिनके वाल्व की प्रॉब्लम थी और उनका ऑपरेशन हुआ और अभी वो ठीक है, और अपने विचार आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू। हाँ जी, मेरा नाम लेखराज है। तो मेरा पहले 6 महीने मेरे को सांस फूलती थी, काम में दिक्कत आती थी, तो मैं अपने जम्मू में लोकल दिखाया, उन्होंने मेरी इको वगैरह की, तो उसमें मेरे एक बाल बंद था, तो उन्होंने मेरे को चंडीगढ़ भेज दिया। और उसके बाद अश्विनी बंसल जी, डॉक्टर अश्विनी बंसल जी, उन्होंने मेरा ऑपरेशन किया और आए 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा स्टाफ है और डॉक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं भगवान करता हूँ कि आगे इनकी तरक्की और हो जाए। मैं संदीप कुमार जम्मू से, तो ये मेरे फादर साहब हैं लेखराज जी। मैं आज से कोई 6 महीने पहले इनको हार्ट में प्रॉब्लम थी, तो थोड़ी चलने फिरने में काम में दिक्कत आती थी, और हमें जम्मू में चेकअप करवाया, फिर उन्होंने हमें चंडीगढ़ इंडस हॉस्पिटल में भेजा। तो इधर से हमने आज 1 महीना हो गया इनको ऑपरेट कराए हुए, बिल्कुल अभी ठीक हैं जी सब कुछ। तो हम के आगे इनका स्टाफ, डॉक्टर साहब, सब कुछ ठीक बढ़िया है, और हम कहते हैं कि भगवान की दया से आगे और बढ़े हैं। तो और हम जो भी है सोशल वेलफेयर हमारा काम है, तो चलो भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो जाए।